अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इसके कौन से पार्ट्स हैं और उनका फंक्शन क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है रिनल कॉर्पसल और सेकंड पार्ट है इसका रिनल टेब्यूल। रिनल कॉर्पसल को फर्दर डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट वन इज़ ग्लोमेरुलस, और सेकंड पार्ट है इसका वोमेन कैप्सूल। फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस एंड सेकंड पार्ट है इसका वोमेन कैप्सूल, जो कि रिनल कॉर्पसल के फर्दर पार्ट्स हैं। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यहाँ आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, ये है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो कि ग्लोमेरुलस है। वोमेन कैप्सूल ने क्या किया है? वोमेन कैप्सूल इसको इनक्लोज करता है, इसे कवर करके रखता है। ये जो इसका पार्ट है ये है वोमेन कैप्सूल। ये कप शेप स्ट्रक्चर है। रिनल कॉर्पसल ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल पे कंसिस्ट करता है। ग्लोमेरुलस इसका ऐसा पार्ट है जो कि ब्लड कैपिलरीज को, ब्लड कैपिलरीज, डक्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और वोमेन कैप्सूल जो है ये कप शेप स्ट्रक्चर है जो इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को। तो ये आपके पास है ग्लोमेरुलस और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये है वोमेन कैप्सूल। नेक्स्ट वन है रिनल टिब्यूल। रिनल टिब्यूल जो है वो आपके पास स्टार्ट होता है आफ्टर वोमेन कैप्सूल। रिनल टिब्यूल ये भी नेफ्रॉन का पार्ट है। आफ्टर वोमेन कैप्सूल स्टार्ट होगा, इसका फर्स्ट पोर्शन जो है, फर्स्ट वाइड पार्ट, उसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। डायग्राम में ये है आपके पास फर्स्ट कॉन्वोलेटेड पार्ट, तो ये है आपके पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। और नेक्स्ट यू शेप स्ट्रक्चर, ये यू शेप जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। अभी मैं इसको लेबल भी करती हूँ। तो आपने क्या देखा? फर्स्ट वन जो है ग्लोमेरुलस, कप शेप स्ट्रक्चर, वोमेन कैप्सूल, फर्स्ट कॉन्वोलेटेड यानी फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और नेक्स्ट यू शेप स्ट्रक्चर जो है इसे कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है उसे कहा जाता है डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट वन है कलेक्टिंग डक्ट। रिनल ट्यूब्यूल में ये जो स्ट्रक्चर है रिनल ट्यूब्यूल का, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसका भी एक बहुत अहम इसका रोल है कि ये फिल्ट्रेशन में हेल्प आउट करता है इसे। और इसका लेबल करते हैं, किस तरह से इसे लेबल किया जाएगा। ग्लोमेरुलस, नेक्स्ट इसका है कप शेप स्ट्रक्चर, इसे कहा जाएगा वोमेन कैप्सूल। फर्स्ट क्वाइल्ड पार्ट जो है इसे कहा जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद मैंने आपको बताया कि यू शेप स्ट्रक्चर, उसे कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में दो लिम्स आते हैं, ये वाला जो है इसे कहा जाता है डिसेंडिंग लिम, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसे कहा जाता है असेंडिंग। ये लूप ऑफ हेनले का ही पार्ट है, क्योंकि यू शेप स्ट्रक्चर जो है वो इन दोनों के मिलने से ही आएगा। ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग, इसका अपना फंक्शन है और इसका अपना, दोनों का सेपरेट फंक्शन है। इसके बाद मैंने आपको बताया सेकंड क्वाइल पार्ट जो है इसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। लास्ट इसका जो पार्ट है इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि इसने हर चीज़ को और वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना है। कलेक्टिंग डक्ट
और इसे पहुंचा देना है यूरेटर की तरफ, ताकि यूरेटर से फर्दर, मैंने आपको पार्ट्स बताए थे, यूरेटर से आगे जाएगा यूरिनरी ब्लैडर की तरफ और यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब ये नेफ्रॉन मौजूद कहाँ पर है, नेफ्रॉन है क्या? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेफ्रॉन क्या है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का ये फंक्शनल यूनिट है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मौजूद किधर है। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है किडनी, किडनी के पेल्विस में ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद हैं जो कि ये अपना काम कर रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए। तो ये मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो एक मरतबा दोबारा सुन लें सब कि ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस और कप शेप स्ट्रक्चर है बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को इसने इनक्लोज किया है। ये कैपलरीज हैं, टफ्ट ऑफ कैपलरीज, फर्स्ट क्वाइल पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और इस तरह से ये मूव करते हैं मटेरियल। नेक्स्ट यू शेप स्ट्रक्चर लोकोफेनल है, उसमें डिसेंडिंग लिम्ब भी है और उसमें असेंडिंग लिम्ब भी है। सेकंड क्वाइल पार्ट है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और लास्ट वन है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बाद यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये है आपके पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने डायग्राम के साथ लर्न करना है, डायग्राम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से ड्रॉ करें और लेबल करें, इसकी प्रैक्टिस करें और लर्न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।